some of the natural calamities world faced in the year 2020 bushfires australia flash floods indonesia covid-19 china and all over the world volcano eruption philippines earthquakes china india iran philippines russia turkey the caribbean swarms of locusts एशिया ईस्ट अफ्रीका इंडिया मिडिल ईस्ट साइक्लोन अम्फान बांग्लादेश इंडिया फॉरेस्ट फायरस उत्तराखंड आसाम फ्लड्स इंडिया ग्रीन स्नो अंटार्कटिका। यानी इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर इंसान गाफिल रहे तो कितने अफसोस की बात है हालांकि हमें लेसन लर्न करने चाहिए कि अगर ये हमारे पे मुसीबतें आ रही हैं तो इसके पीछे कोई वजह होनी चाहिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो कि सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में पाई जाती है वो हदीस है जहाँ पे आप ने फरमाया हदीस खुद सी है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जो द सन ऑफ एडम दन यानी जो इबिन आदम है वो उसको कोसता है और मैं ही वक्त हूँ क्योंकि दिन और रात का निकलना यानी दिन का निकलना और शाम का ढलना अल्लाह ताली फरमाते हैं कि मेरे हाथों में है सो इस हदीस से क्या पता चला अल्लाह तह रहे हैं कि मैं ही वक्त हूँ, मैं ही टाइम हूँ मैं ही जो एज एक होती है ना वही अल्लाह ताला है, और अल्लाह ताला कहते हैं कि जब इंसान इसको कोसता है तो वो असल में अल्लाह को नव कितनी अगर आप देखें तो अल्लाह सुबह सवाल पूछते हैं अल्लाह ताला इंसानों को जगाने की कोशिश करते हैं अल्लाह तुझते मोरदून के लोगों की यानी जजा और सजा का दिन जो है वो उनके सरों पर आन है लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो गफलत का शिकार है यानी क्यामत लोगों के सरों पर आ गई है और लोग फिर भी बिल्कुल गाफिल बैठे हुए हैं तो देखिए है आपका इस साल में कोरोना वायरस भी आया जलजले और फ्लड आए और तरह तरह के एक्सप्लोजन हुए मुख्तलिफ चीजें हमारे सामने आई लेकिन आप देखें कि अभी तक लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं ये बात बड़े गौर से सुनिए और याद कर लें कि जिंदगी में बेशुमार प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो हमें कुछ लेसन सिखाने के लिए आते हैं तो अगर हम इन प्रॉब्लम से भी लेसन ना सीखें तो फिर खुद ही सोचें कि हम कब सीखेंगे इसी तरह से अल्लाह ताला ने कुरानी सूरा सूरा नाइन में यह बात शाद फरमाई कि जहन्नम को इन सर जिन से भर दिया जाएगा क्यों भरा जाएगा क्या वजह बनी उसकी अल्लाह ताला फरमाते हैं लहुम लोहम ला ना ब्याह उनके पास दिल तो हैं लेकिन वो दिलों से सोचते नहीं हैं वलुम आयुन ला युबसरुना भिहा उनके आंखें हैं लेकिन वो उसे देखते नहीं हैं वलुम अज़ान ला यस्मा भिहा और उनके कान भी हैं लेकिन वो सुनते नहीं हैं उलाय के कला नाम बलहम अदल ओलायमिल ये लोग जानवरों की तरह हैं। नहीं जानवरों से भी बदतर हैं ये गाफिल लोग तो अल्लाह ताली फरमा रहे हैं कि इनकी दिल है लेकिन दिलों से सोचते नहीं हैं गौर नहीं करते कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है इनकी आँखें भी हैं देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है लोगों की तबाहियों और बर्बादियाँ देख रहे हैं लेकिन फिर भी इनको नजर नहीं आ रहा और इनके कान है ये सुनते हैं इनको खबरें मिल रही हैं इनको ब्रेकिंग न्यूज सुनाई जाती है कि यहां पे इतने लोग फौत हो गए इतने लोग फौत हो गए लेकिन इनको अपनी मौत याद नहीं आती ये अल्लाह की तरफ रुझू नहीं करते अल्लाह फरमाते हैं का बल हो मदल ये बिल्कुल जानवरों जैसे हैं जानवर कौन ये अनाम ये जो भेड़ बकरियों जैसे दिस पीपल आर लाइक बल हो मदल नहीं उनसे भी ज्यादा गुमराह उनसे भी ज्यादा यानी बेवकूफ और हीडलेस हीस और फिर अल्लाह तारा फरमाते उलाय काम गाफिलून यही तो गाफिल लोग हैं यही तो लोग हैं जो बिल्कुल गफलत का शिकार हो लोगों का हिसाब अमाल का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं